वेलकम टू आकांक्षा कॉन्वेंट स्कूल क्लास फोर्थ। चैप्टर अपने चल रहा था बेटा सेकंड। चैप्टर सेकंड था अपने गंगा। क्लास क्या है? फोर्थ। क्लास फोर्थ, चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड। गंगा वाला चैप्टर है, मैंने आपको रीड कराया था। आज अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर छ की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, मैं आपको ऑप्शन लिख के उस पर राइट का टिक करना है। जो राइट है उस पर राइट का टिक करना है और जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छ क्या है? राइट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। जो राइट है उस पर राइट का टिक करना है। क्वेश्चन है, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए लगाइए। जो राइट है उस पर राइट का टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, कौन तपस्या करके गंगा को धरती पर लाए, गंगा को धरती पर लाए। इन्होंने तपस्या की जो गंगा को धरती पर लेके आ गए। ऑप्शन दे रखा है आपको, शंकर जी, दूसरा ऑप्शन है विष्णु जी, तीसरा ऑप्शन है भगीरथ जी। भगीरथ जी, गंगा को कौन तपस्या करके धरती पर लाए थे? तीन ऑप्शन दे रहा है, शंकर जी, विष्णु जी या भगीरथ जी। कौन तपस्या करके लाए? भगीरथ जी। तो उस पर राइट का टिक करना है। फिर वन लाइन का गैप करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन के बाद वन लाइन का गैप। सेकंड क्वेश्चन है, गंगा के प्रति किन लोगों की आस्था थी? गंगा के प्रति किन लोगों की आस्था थी? किन लोगों की आस्था थी? ऑप्शन लिखना है इसमें भी, मुसलमानों की, किन लोगों की आस्था थी? मुसलमानों की, नंबर टू हिंदुओं की, नंबर थ्री दोनों की। गंगा के प्रति किन लोगों की ज्यादा आस्था है? हिंदुओं की। किन लोगों की ज्यादा आस्था है? हिंदुओं की। फिर वन लाइन का ये, बलिया में गंगा किस नदी से जा मिलती है? क्वेश्चन थर्ड क्या है, बलिया में गंगा किस नदी से जा मिलती है? किस नदी से जा मिलती है? से जा मिलती है। ऑप्शन दे रखा है, सोनू, नंबर दो सोन, नंबर थ्री महानदी। बलिया गंगा में किस नदी से जा मिलती है बताओ? देखिए, सोन नदी से। किस नदी से जा मिलती है? सोन नदी से जा मिलती है, ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन वाला क्वेश्चन। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका है गे, जो है आपके राइट रॉन्ग में नहीं करके फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो सही है उसमें फिल करना है, ठीक है। मेरे पवित्र जल में स्नान करके, मेरे पवित्र जल में स्नान करके
फील करना, ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक से। मेरे पवित्र जल में स्नान करके हर अपने को धन्य समझता है, अपने को धन्य समझता है। मेरे पवित्र जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र समझता है कौन? फीलिंग द बैंक्स, भारतवासी। कौन? भारतवासी है जो हमारे जल में, गंगा नदी में स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं। ये तो फीलिंग द बैंक्स वन टू है। मेरा जन्म हिमालय के, मेरा जन्म हिमालय के नामक स्थान से हुआ है, नामक स्थान से हुआ है। कौन से नामक स्थान से हुआ है? गंगोत्री नामक स्थान से हुआ है। गंगा का जन्म कौन से स्थान पे हुआ है? गंगोत्री नामक स्थान से हुआ है। अभी तक हिंदू प्रिया को त्रिवेणी संगम मानते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा? त्रिवेणी संगम मानते हैं। बुक में भी फील करना, ध्यान रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है धार्मिक रूप से ही देश की रूप से ही देश की धार्मिक रूप से ही देश की नदियों में मेरा ऊंचा स्थान है। नदियों फीलिंग द बैंक्स में मेरा ऊंचा स्थान है। धार्मिक रूप से ही देश की नदियों में मेरा ऊंचा स्थान है। ये आपके फीलिंग द ब्लैंक्स। टिक द राइट और फीलिंग द ब्लैंक्स, दो क्वेश्चन कराएं। डायरी एंट्री आपकी CW Learn, आपको डायरी एंट्री CW Learn करनी है। कर लोगे बेटा? वेरी गुड, थैंक यू।